गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की मेरी रेसिपी है भुर्जी चटपटी। इसके लिए जो हमने इंग्रीडियंट लिए हैं आप देखें इस प्रकार है। मैंने अपनी सुविधा अनुसार 12 इंच लिए हैं, इनको फोड़ लिए हैं। दो टमाटर हैं मीडियम साइज के, शिमला मिर्च है एक, दो प्याज मीडियम साइज के, हरी मिर्च डाली है इसमें हमने एक, ये शुद्ध घी है लगभग 50 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार लें और जो काली मिर्च है इसे भी आप स्वाद अनुसार लें, और ये है हमने थोड़ा सा अदरक जो है इसको मैंने ऐसा कूट लिया है। इस प्रकार से ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे अंडे हैं, अंडे में अपना नमक डाल देंगे। आप चाहे तो 4 अंडे भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 6 अंडे भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको विधि बता रहा हूँ, चटपटी भुर्जी बनाने की विधि। नमक हमने डाल दिया है, ये काली मिर्च है, जैसा नाम है वैसे ही भुर्जी बनेगी। उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना चटपटी भुर्जी। इसके अंदर हमने 12 एग लिए हैं और आप चाहें तो 4 और 6 ले सकते हैं। ये मैं एक बार फिर से आप बता रहा हूं, ये हमारा शुद्ध घी है। इसको अच्छे से चारों तरफ फिरा लेंगे, थोड़ा सा तेल गरम होने दें। हमारा तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। हमारे प्याज देखें आप, हल्के गुलाबी हो चुके हैं, इन्हें हम ज़्यादा नहीं तलेंगे नहीं तो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा कलर है। इसमें अब हमें हरी मिर्ची, ये हरी मिर्ची हम धीरे से डाल देंगे। ये आप अपने स्वाद अनुसार, हर चीज़ अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये शिमला मिर्च है इसे भी डाल देंगे। और ये अदरक जो हमने क्रश किया था इसे डाल देंगे। मिला लेंगे और इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हिलाएंगे जिससे कि हमारे प्याज लग न जाए और डार्क ब्राउन हो जाए। अब इसके अंदर हमने जो टमाटर रख रखे हैं काट के उन्हें डाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी जो चटपटी भुर्जी है थोड़ी कलरफुल होती जा रही है। ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा होता है। अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। हमारे टमाटर, शिमला मिर्च और अदरक बहुत बढ़िया बन चुके हैं। अब इसके अंदर हम जो हमने घोल तैयार किया था अंडे का उसको डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, उसको हिलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारी चटपटी एक भुर्जी तैयार हो चुकी है। और आप देखिए कलर देखिए, मैं इसको जलने नहीं दूंगा। वैसे कई लोग डार्क ब्राउन बनाते हैं, ब्राउन बनाते हैं, पर मैं इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना चाहता हूँ। ये चटपटी भुर्जी हमारी तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे
हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख रहे हैं हमारी भुर्जी तैयार है। अब इसको हम, ये मेरे पास क्यूब, एक चीज़ का क्यूब है, इससे इसे ग्रेट कर देंगे। ये जो हमारी चटपटी एक भुर्जी तैयार है, इसके ऊपर मैंने चीज़ से ग्रेट कर दिया है। अब मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि चटपटी एक भुर्जी को एक बार आप भी ट्राई करें, बनाएं, और अगर आपने अच्छे लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।